स्वागत है नया इंडिया टीवी के आज प्रोग्राम के पार्ट दो में। इसमें पर्दे के पीछे की बातों, राजनीति को बताने वाली गपशप है तो हल्ला प्राप्त मुद्दे का, मसले का खुलासा भी। सो सुने और पाएं बेबाक बेधड़क जानकारी, वह सोचें कि क्या सही है और क्या गलत। पहले सुने आज की गपशप। एग्जिट पोल के नतीजे भले भारतीय जनता पार्टी के भारी बहुमत से केंद्र में सरकार बनाने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, पर ऐसा लग रहा है कि भाजपा और उसके शीर्ष नेताओं को वास्तविकता का एहसास है। तभी चुनाव नतीजों से पहले भाजपा ने बाद के हालात से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। जानकार सूत्रों के मुताबिक देश भर में भाजपा के संपर्क सूत्रों ने ऐसे उम्मीदवारों से संपर्क करना शुरू कर दिया है जो अपने दम पर चुनाव जीतने की क्षमता रखते हैं, भले वे किसी पार्टी में हो। बताया जा रहा है कि झारखंड में कम से कम 3 सांसदों पर भाजपा की नजर है। इनमें से 2 कांग्रेस के और 1 क्षेत्रीय पार्टी के उम्मीदवार है। इसी तरह बिहार में महागठबंधन में शामिल कांग्रेस की 4 सहयोगी पार्टियों के कम से कम 5 उम्मीदवारों पर भाजपा की नजर है, जिनके बारे में माना जा रहा है कि वे चुनाव जीत सकते हैं। भाजपा के साथ रह चुके सहयोगियों पर भी पार्टी की नजर है। उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह की पार्टी और महाराष्ट्र में राजू शेट्टी की पार्टी अगर सीट जीतती है तो भाजपा नेता मान रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर वे उसका साथ दे सकते हैं। तमिलनाडु के भी अपने पुराने सहयोगियों के संपर्क में भाजपा नेता हैं। बताया जा रहा है कि जिन प्रत्याशियों पर नजर है उनमें से कांग्रेस के प्रत्याशी अगर जीतते हैं तो जरूरत पड़ने पर उनको गैर हाजिर कराया जा सकता है या इस्तीफा कराया जा सकता है। छोटी पार्टियों को सीधे गठबंधन में शामिल कराया जा सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अचानक सारे मुद्दे याद आ गए। रविवार को वे वोट डालकर निकले तो बूथ पर उन्होंने साफ कर दिया कि वे अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 से हटाने के पक्ष में नहीं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी यह भी चाहती है कि राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हो। नीतीश ने दो टूक अंदाज में कहा कि महात्मा गांधी पर दिया गया प्रज्ञा ठाकुर का बयान बर्दाश्त नहीं है और भाजपा को उन्हें पार्टी से निकालने पर विचार करना चाहिए। नीतीश की पार्टी पहले ही बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग शुरू कर चुकी है और नागरिकता कानून पर विरोध कर चुकी है। सवाल है कि उनके अचानक रुख बदलने का क्या कारण है। ऐसा लग रहा है कि वे एक बार फिर नए सिरे से अपनी पोजीशनिंग करने में लगे। हालांकि इस बात की संभावना कम है कि वे भाजपा गठबंधन का साथ छोड़ेंगे, पर इस गठबंधन में रहते हुए अपने लिए बेहतर डील हासिल करने के मकसद से उन्होंने पोजीशनिंग शुरू की है। अगर भाजपा बहुमत से दूर रहती है और सरकार बनाने के लिए सहयोगियों की जरूरत पड़ती है तो नीतीश उसकी बड़ी कीमत वसूलेंगे। एग्जिट पोल में कम से कम 3 एजेंसियों और मीडिया समूहों ने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को 350 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। इनमें एक चैनल इंडिया टुडे और एक्सिस है, जिसका पिछले दिनों एक कथित एग्जिट पोल लीक हो गया था। उसमें बताया गया था कि चैनल भाजपा को 177 सीटें दे रहा है। जानकारों का कहना है कि यह वास्तविक था। हालांकि चैनल को तब भी इतनी कम सीटें नहीं दिखानी थी, पर जब पोल लीक हो गया तो उसने अपनी निष्ठा प्रमाणित करने के लिए सीधे 350 सीटों और 45% वोट का आंकड़ा पेश कर दिया। दूसरा चैनल रिलायंस समूह का है, जो सरकार की तरफदारी के लिए पहले से बदनाम है। दूसरे इसके मालिकों का शेयर बाजार में खेल करने का पुराना इतिहास रहा है। यह जान लें कि एग्जिट पोल का असली मकसद शेयर बाजार में चढ़ाव लाकर पैसे कमाना होता है, जिसमें इसके मालिक माहिर है। 350 सीट देने वाला तीसरा चैनल तो कांग्रेस नेता का है, पर सर्वेक्षण करने वाली एजेंसी ऐसी है जिसका इतिहास हमेशा बढ़ा चढ़ाकर सीटें बताने और गलत साबित होने का है। इसलिए कम से कम इन 3 चैनलों और सर्वेक्षण करने वाले एजेंसियों के निष्कर्षों का कोई राजनीतिक मतलब नहीं है। आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि नया इंडिया टीवी की इस चैनल पर एपिसोड इमेज के नीचे लाल पट्टी में लिखे सब्सक्राइबर बटन को जरूर दबाएं। वहां जो घंटी है उसे भी दबाएं ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना मिले।